हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट निकिता। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं कि आप लोग घर आए मेहमान को कुछ ही मिनट में कैसे स्टफ्ड कैप्सिकम चॉप बना के सर्व कर सकते हो। तो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं लिया है बेसन, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट एंड हल्दी पाउडर। उसके बाद मैंने कैप्सिकम को इस तरह से चॉप करके सॉल्ट के साथ मैरिनेट करके छोड़ दिया था कुछ घंटों के लिए। उसके बाद मुझे चाहिए बॉइल्ड पटेटोस, जो कि मैंने इस तरह से चॉप करके बॉईल कर लिया था। फिर फाइनली चॉप्ड अनियंस, गार्लिक क्रश्ड किया हुआ, ग्रेटेड जिंजर, 1 ग्रीन चिली चॉप, कश्मीरी मिर्च पाउडर एंड जीरा पाउडर। पहले मैं गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई चढ़ाऊंगी और उस पे 1 टेबल स्पून करीब तेल डालूंगी और तेल को सारे कढ़ाई में ऐसे फैला लूंगी। एक बार तेल गर्म हो जाए उसमें मैं डालूंगी प्याज जो मैंने पहले से ही चॉप करके रखा था और उसको थोड़ा सॉटे कर लूंगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से सॉटे कर लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्रश्ड किया हुआ गार्लिक डालेंगे इसमें और इसको फिर से सॉटे करने लग जाएंगे। फिर जिंजर डालेंगे जो मैं हम लोगों ने पहले से ही ग्रेट करके रखा था, उसको भी सॉटे करके, लेकिन इस जगह पे याद रखिए गैस का फ्लेम कम होना चाहिए ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जल ना जाए। फिर हम लोग डालेंगे ग्रीन चिलीज जो हम लोगों ने पहले से ही चॉप करके रखा था। उसके बाद जीरा पाउडर डाल देंगे और कश्मीरी मिर्च पाउडर हम लोग सिर्फ आधा ही डालेंगे। हम लोगों को याद रखना है कि गैस का फ्लेम लो पे ही रखना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अभी हम लोग ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। स्टेप हम लोगों का रहेगा, जो हम लोगों ने बॉयल पटेटोस लिया था उसको हम लोग अच्छे से मैश कर लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। अभी इसको अच्छे से फ्राई करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है सॉल्ट। भी इसको अच्छे से मिला के हम लोग फ्राई करते रहेंगे। अगर आप लोगों के पास कोरिएंडर लीव्स है तो आप लोग इस टाइम पे ऐड कर सकते हो। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। जब आलू एक साथ इकट्ठा हो जाए तो समझ लीजिएगा कि हमारा जो स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और स्टफिंग को थोड़ा फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। स्टफिंग ठंडा होने तक हमारा बैटर जो है उसको हम लोग रेडी कर लेंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए बेसन, सॉल्ट, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मिक्स करते जाएंगे। हम लोग इस बेसन का एक स्मूथ एंड थिक बैटर तैयार कर लेंगे। याद रखें एक साथ पानी मत डालिएगा, नहीं तो आपका बैटर ज़्यादा पतला बन जाएगा जिससे आप लोगों को चॉप बनाने में दिक्कत होगी। इसीलिए थोड़े थोड़े पानी डाल के ही आप लोग बैटर तैयार करें ताकि हमारा बैटर ठीक बने। तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अभी इसको हम लोग एक साइड में रख देंगे और आलू ठंडा हो गया है। अभी हम लोग हमारे स्टफिंग भर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग हमारे स्टफिंग भर के हमारे कैप्सिकम रेडी कर लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और घर में अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करते हैं मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके रिक्वेस्ट पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से मैं सारे कैप्सिकम को स्टफिंग भर के तैयार कर लूँगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करके रखिएगा।
ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा। देखिए मैंने सारे कैप्सिकम को स्टफिंग के साथ भर के रेडी कर लिया है। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा इन स्टफ्ड कैप्सिकम्स को फ्राई कर लेना। यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए छोड़ दिया है। एक बार तेल गरम हो जाए उस पर मैं इस तरह से चेक करूँगी कि तेल कितना गरम हुआ है। अगर तेल में बैटर छोड़ने पर ऊपर आ जाए समझ लीजिएगा कि हमारा तेल गरम हो चुका है। पे हम लोग स्टफ कैप्सिकम को बैटर में डिप करके तेल में छोड़ेंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम में पकाएंगे ताकि ये अंदर से भी और बाहर से भी बहुत अच्छी तरीके से पक जाए और बाहर से ये क्रिस्पी बनना ही है। जब इसका एक साइड हल्का ब्राउन दिखेगा तो मैं इसको पलट दूंगी ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से पके। आफ्टर 5 मिनट्स मैं इसको पलट दूंगी और एक बार जब ये दोनों तरफ से पका हुआ दिखे तो एक छन्नी की मदद से इसको निकाल लीजिएगा। इस तरह से निकालने से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे गिर जाएगा। देखिए मैंने सारे कैप्सिकम को निकाल लिया है। कितना टेस्टी एंड क्रिस्पी लग रहा है। देखिए मेरा स्टफ्ड कैप्सिकम कितना डिलीशियस लग रहा है। मैं इसको एक टिश्यू पेपर के ऊपर ट्रांसफर करूंगी। आप घर में ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपके फैमिली मेम्बर्स एंड मानो को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा।